हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण 6 मार्च 2020 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें हम उन सभी न्यूज़ को कवर करेंगे जो इस समय वर्तमान में हॉट टॉपिक बने हुए हैं और जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देते होंगे जिसे हम नोट्स के तौर पर नोट कर सकते हैं। इस न्यूज़पेपर में हम बिजनेस पेज, एडिटोरियल पेज, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स सभी पेजों को कवर करेंगे और इसके बाद हम वीडियो के लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको। अगर आप चाहें तो उसे नोट्स के तौर पर नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। हमारी 4 न्यूज़ हैं। पहला है कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम रखेगी कोरोना वायरस पर नज़र। जिस तरह से कोरोना वायरस अब भारत में भी फैल रहा है और इसके 30 मामले अभी हाल ही में भारत में मिले हैं, उसको लेकर अब रैपिड रिस्पांस टीम गठित की जाएगी। आरबीआई ने अब यस बैंक पर पाबंदी लगा दी है और निकासी सीमा यानी जो ग्राहक हैं वो सिर्फ 50,000 की निकासी कर सकते हैं। और ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.5% ब्याज की अनुशंसा की है। पहले यह 8.65% था। और देश भर के युवा ड्रग्स को कहेंगे बाय। आगामी जो स्वास्थ्य दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसमें किस तरीके से भारत के युवाओं को ड्रग्स के सेवन से बचाया जाएगा, उस मुहिम को लेकर ये आंदोलन अब चलाया जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम सबसे अपने पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। रैपिड रिस्पांस टीम रखेगी कोरोना वायरस पर नज़र। देश में कोरोना वायरस की बढ़ती दस्तक के बीच सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इससे निपटने के लिए तत्काल रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन करने को कहा है। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने और संदिग्ध मामलों का पता लगाने की होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक और व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब तक देश में कुल 30 लोगों में वायरस की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें से 3 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इस बीच पुणे की लैब ने आगरा के 6 में से 1 मरीज का सैंपल निगेटिव होने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संसद के दोनों सदनों को देश में कोरोना के हालात और इससे निपटने की दिशा में उठाए गए कदमों से अवगत कराया है। देश को कोरोना के कहर से बचाने के लिए सरकार हर संभव व्यवस्था में लगी है, जिसके तहत राज्यों को जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने को कहा गया है। इन टीमों की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के कोरोना से ग्रसित पाए जाने पर उसके 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को इससे आगाह करने और वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखने की होगी। अगर हम इसमें पूरे घटनाक्रम को देखें, जो कुछ पॉइंट्स के तौर पर इस न्यूज में दिए गए हैं, वो है कि दिल्ली के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त प्राइवेट एमसीडी और एनडीएमसी के प्राथमिक स्कूल आगामी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में इटली के पर्यटकों के संपर्क में आए 68 लोगों में वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। तेलंगाना में सभी 88 सैंपल निगेटिव पाए गए हैं। पुणे की लैब ने जांच में आगरा के 6 में से 1 मरीज के सैंपल को निगेटिव बताया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में दवाओं और दवा के लिए जरूरी जितने भी कच्चे माल रॉ मटेरियल हैं उनकी कोई कमी नहीं है और ना ही होने दी जाएगी। राष्ट्रपति भवन ने मुगल गार्डन को 1 दिन पहले यानी शनिवार से ही बंद करने का ऐलान किया है। इस साल राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली मिलन कार्यक्रम भी नहीं होगा। देखिए, कोरोना वायरस में कुछ जरूरी बातें होती हैं। अब तक कई बार न्यूज़पेपर या यूट्यूब या न्यूज़ चैनल कई तरीके से बताया जा रहा है कि अभी कुछ ज़्यादा ही अफवाह फैलाई जा रही है। इस तरीके से अभी महामारी का रूप नहीं है ये, और इससे बचाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास और अपने आप को, अपने हाथ को बार बार धोते रहें, सफाई बरतें और मास्क पहनकर ही, कहीं अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहनकर ही जाइए। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अब यस बैंक पर लगाई पाबंदी, निकासी सीमा 50,000 तय कर दी गई है। पहले प्रमोटरों की लड़ाई और उसके बाद गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को 1 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने यस बैंक की लगातार खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रतिबंध गुरुवार रात 8 बजे से 30 दिनों तक के लिए लगा दी है। इस बीच इसके नए प्रबंधन की व्यवस्था होगी। साथ ही यस बैंक के मौजूदा निदेशक
बोर्ड में भी 30 दिनों के लिए, बोर्ड को 30 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के पूर्व CFO प्रशांत कुमार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। देखिए ये बिजनेस पेज की न्यूज़ है, लेकिन ये आज के दैनिक जागरण में फर्स्ट पेज की सेकंड न्यूज़, यानी कि फर्स्ट पेज में ये न्यूज़ है, इसलिए आपको इस नेशनल न्यूज़ में से बताया जा रहा है। और इससे एक और रिलेटेड, इसी न्यूज़ से रिलेटेड एक और भी न्यूज़ है जो वो बिजनेस पेज में दी गई है, उसको हम बिजनेस पेज में देखेंगे। इस एक महीने में बैंक का कोई भी खाता धारक 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि नहीं निकाल सकेगा। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 50,000 रुपये निकासी की इजाज़त दी गई है। SBI के निदेशक बोर्ड ने यस बैंक में निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। खबर है कि SBI व LIC की अगुवाई में वित्तीय संस्थानों को यस बैंक की बड़ी हिस्सेदारी हस्तांतरित की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, PF पर 8.5% ब्याज की अनुशंसा, और ये अनुशंसा की गई है EPFO द्वारा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यानी EPFO ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए PF पर केवल 8.5% ब्याज दर की अनुशंसा की है। पिछले वित्त वर्ष में PF पर 8.65% ब्याज दर दिया गया था। अगर EPFO के इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है तो 7 वर्षों में प्राइवेट प्रोविडेंट फंड जमा पर यह सबसे कम दर होगी। वैसे तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वित्त मंत्रालय इसमें और कमी करे। हालांकि एक आध अगर मामले को छोड़ दिया जाए तो ऐसा किया भी जा सकता है। EPFO पर ब्याज दर घटाने का फैसला श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई EPFO ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में लिया गया है। गंगवार ने बताया कि ट्रस्टी बोर्ड ने EPFO जमा पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 8.5% ब्याज दर देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, देश भर के युवा ड्रग्स को कहेंगे बाय। और 1 अप्रैल से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरीके की मुहिम चलाई जाएगी। नशे के चुंगल में फंसे युवाओं को इससे बचाने के लिए सरकार अब देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक बड़ी मुहिम छेड़ेगी। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। इसमें देश भर के सभी नारकोटिक्स ब्यूरो, स्वास्थ्य संस्थान और इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन NGO शामिल होंगे। फिलहाल इसे लेकर सरकार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्य योजना मांगी है, जिसे 20 मार्च तक सभी को देना है। नशे के खिलाफ इस मुहिम को छेड़ने के लिए यह योजना बनाई गई है। और यह योजना तब बनाई गई है जब देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के नशे में लिप्त होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार अब इसके खिलाफ पूरे देश में मुहिम छेड़ने जा रही है। इसकी कार्य योजना बना ली गई है। साथ ही इस पूरी मुहिम को से नो टू ड्रग्स यानी ड्रग्स को कहिए ना नाम दिया गया है। UGC ने भी इसे लेकर निर्देश दिया है। साथ ही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नशे के खिलाफ समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें छात्र संगठनों की भी अहम भूमिका बताई गई है। ये आज की नेशनल न्यूज थी, इंपॉर्टेंट 4 न्यूज थी हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है अंतर्राष्ट्रीय पेज यानी इंटरनेशनल पेज। इसमें हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं, H1B वीज़ा जो कि अमेरिका द्वारा दिया जाता है, टाइम्स मैगजीन की पूरे 100 साल की जो शक्तिशाली महिलाएं हैं उनमें भारत की 2 महिलाएं शामिल हैं, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हैं और अमृत कौर जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तीसरी न्यूज़ है पूर्व UN प्रमुख जेवियर पेरेज का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है H1B वीज़ा हर 5वां आवेदन खारिज कर दिया गया है। अमेरिका ने पिछले साल H1B वीज़ा के लिए दाखिल किए गए हर 5वें आवेदन को खारिज कर दिया है। इससे भारतीय IT कंपनियां सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। इन कंपनियों के आवेदनों को अस्वीकार करने की दर सबसे ज़्यादा रही है। यह वीज़ा भारतीय पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है। NGO नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 की तुलना में, हालांकि 2019 में आवेदनों को खारिज किए जाने की दर से 24% से घटकर 21% हो गई है। यानी 2018 में ये जो आवेदन थे
वो 24% आवेदन कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन 2019 में से 21% आवेदन कैंसिल किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर इस संगठन ने बताया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों के आवेदनों को खारिज किए जाने की दर सबसे ज्यादा रही है, जबकि अमेजॉन और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए यह दर निम्न पाई गई है, यानी भारतीय कंपनियों की तुलना में इनके आवेदन बेहद कम खारिज हुए हैं। TCS के आवेदनों को खारिज करने की दर 31% रही, जबकि इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा के लिए यह दर 31% और 37% रही है। दूसरी तरफ वर्ष 2019 में अमेजॉन और गूगल के वीजा आवेदनों को अस्वीकार करने की दर महज 4% रही है। फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उम्मीद है कि इस साल ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा के लिए नए नियम जारी कर सकता है। इसमें छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि H-1B वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। इस वीजा के आधार पर अमेरिकी कंपनियां विदेशियों को नौकरी पर रखती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इस वीजा के नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी, टाइम्स की सूची में इंदिरा गांधी और अमृत कौर का नाम। अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने पिछली एक सदी की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में, एक सदी मतलब 100 वर्ष, 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर का नाम शामिल किया है। मैगजीन ने अमृत कौर को वर्ष 1947 और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। इंदिरा गांधी के बारे में टाइम्स ने कहा है कि वह भारत की महान प्रशासक थीं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व करिश्माई और सख्त था। 1975 में आर्थिक अस्थिरता के चलते देश भर में हुए आंदोलनों ने उनकी सरकार को हिला दिया था। उस वक्त चुनाव अवैध घोषित होने के बाद उन्होंने आपातकाल का ऐलान कर दिया था। अमृत कौर के बारे में मैगजीन ने लिखा है कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के बाद जब वो भारत लौटी, यहाँ महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कपूरथला के शाही परिवार में जन्मी राजकुमारी अमृत कौर ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। 1947 में आजादी के बाद वह मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाली पहली महिला थी और उन्होंने 10 वर्ष तक स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाला था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना की थी। देश के बड़े अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का भी श्रेय उन्हीं को ही जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, पूर्व यूएन प्रमुख जेवियर पेरेज का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख जेवियर पेरेज डी क्लूरुज का पेरू में निधन हो गया। वह 100 वर्ष के थे। जेवियर ने यूएन महासचिव रहते हुए ईरान और इराक के बीच संघर्ष विराम कराने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाई थी। वह वर्ष 1981 से 1991 तक यूएन महासचिव रहे थे। जेवियर के कार्यकाल में यूएन को वैश्विक भूख और ईरान इराक के बीच 8 साल से छिड़े संघर्ष के साथ ही अमेरिका समर्थित अल सल्वाडोर में जारी गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। यूएन की मध्यस्थता से अल सल्वाडोर में शांति वार्ता हुई थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। इसमें हमारे लिए 3 हेडलाइंस हैं, वैश्विक निर्यात में बड़ी गिरावट की आशंका कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस का इलाज स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में शामिल कर लिया गया है और यस बैंक का प्रबंधन SBI को सौंपने की तैयारी। पहली न्यूज है हमारी, चीन के साथ दुनिया के 70 से अधिक देशों में कोरोना वायरस फैलने से फरवरी माह के दौरान मैन्युफैक्चरिंग निर्यात में $5,000 करोड़ यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आ सकती है। यह आशंका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD की तरफ से जाहिर की गई है। UNCTAD के मुताबिक भारत व्यापार पर इस अवधि में 34.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,436 करोड़ रुपए का असर पड़ सकता है। सबसे अधिक असर
केमिकल सेक्टर पर दिखने का अनुमान लगाया गया है। केमिकल सेक्टर के व्यापार में 12.9 करोड़ डॉलर की कमी आ सकती है। चीन विश्व निर्यात में 13% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा निर्यातक देश है, वहीं विश्व आयात में 11% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। लगभग 50 करोड़ लोग चीन में कोरोना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। इससे चीन में वस्तुओं की खपत में भारी गिरावट की आशंका है। पिछले 3 माह से भारत के वस्तुओं के निर्यात में लगातार गिरावट हो रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी फियो के मुताबिक चीन के साथ दुनिया के कई देशों में कोरोना फैलने से भारतीय व्यापार पर इसका असर दिखेगा, लेकिन अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, कोरोना का इलाज स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में शामिल कर लिया गया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि कोरोना समेत सभी संक्रामक रोग लगभग हर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के दायरे में आते हैं। काउंसिल 44 साधारण बीमा पॉलिसियों का शीर्ष निकाय है। बीमा नियामक इरडा की तरफ से जारी बयान के बाद जीआईसी ने स्थिति स्पष्ट की है। इरडा ने बुधवार को बीमा कंपनियों से कोरोना वायरस को अपनी मौजूदा पॉलिसी में शामिल करने को कहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना वायरस से जुड़े दावों का निपटान शीघ्रता से किया जाए। जीआईसी के चेयरमैन ने कहा, लगभग सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के दायरे में हर तरह के संक्रामक रोग आते हैं, इनमें कोरोना का भी मामला शामिल है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यस बैंक का प्रबंधन एसबीआई को सौंपने की तैयारी। देखिए, ये इस समय नेशनल न्यूज में भी था। निजी क्षेत्र के कर्जदाता यस बैंक पर आरबीआई का प्रतिबंध गुरुवार रात 8 बजे से लागू हो गया। इसके तहत बैंक के खाता धारकों को अधिकतम 50,000 रुपए की निकासी की सुविधा होगी। अस्पताल में भर्ती होने जैसी परिस्थिति में खाता धारक अतिरिक्त 50,000 रुपए निकाल सकेंगे, यानी अगले 30 दिनों के लिए बैंक के खाता धारकों को किसी भी सूरत में 1,00,000 रुपए से अधिक निकासी की इजाजत नहीं होगी। आरबीआई की तरफ से देर शाम अधिसूचना जारी होने से पहले गुरुवार के ही दिन बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी थी कि यस बैंक को उबारने का फार्मूला लगभग तैयार हो गया है। वित्त मंत्रालय, आरबीआई और पूंजी बाजार नियामक सेबी के बीच विचार विमर्श से तैयार इस फार्मूले के मुताबिक यस बैंक में एक बड़ी हिस्सेदारी एसबीआई को देने का प्रस्ताव है। यस बैंक की कुल 49% हिस्सेदारी सरकारी क्षेत्र के 2 वित्तीय संस्थानों एसबीआई व एलआईसी में बराबर हिस्से में बांटने का विकल्प भी मौजूद है। यस बैंक के बारे में जान लीजिए। भारत में इसकी लगभग 1,120 शाखाएं हैं, लगभग 1,800 एटीएम हैं, कर्मचारियों की संख्या 18,000 प्लस है, यानी 18,000 से ज़्यादा है, और बाजार पूंजीकरण जो इसका है मूल्य है वो है 9,398.49 करोड़ रुपए। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, बिजनेस पेज की। ये 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी और यस बैंक की न्यूज़ आपको नेशनल न्यूज़ में भी देखने को मिली थी। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, अमेरिका के लिए अहम होता भारत। ट्रंप ने अपनी चीन नीति में जो आमूलचूल बदलाव किए हैं उसके बाद भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती की राह और बेहतर हो गई है, उसी पर ये लिखा गया है आर्टिकल। और आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चलानी ने। नेक्स्ट आर्टिकल है, नफरत का खतरनाक कारोबार। ये लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा ने, और इन्होंने जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। और थर्ड आर्टिकल है, न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग। देखिए, किस तरीके से जो निर्भया कांड था उसमें न्याय में देरी हो रही है, क्योंकि कल चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है 20 मार्च के लिए। 3 बार तो रोक लग गई थी और चौथी बार भी, क्योंकि अभी भी कई कानूनी रास्ते जो हैं वो चारों जो अपराधी हैं उनके लिए खुले हुए हैं। तो एडिटोरियल पेज में हम अपने पहली न्यूज़ को देखते हैं, अमेरिका के लिए अहम होता भारत। चीन से दुनिया भर में फैल रहे जानलेवा कोरोना वायरस और दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की सुर्खियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के महत्वपूर्ण भारत दौरे के असर से जुड़ी खबरें कहीं गुम सी हो गई हैं। ट्रंप का यह दौरा केवल भारत तक ही सीमित था। ऐसे में भारत केंद्रीय दौरा बढ़ती द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को ही रेखांकित करता है कि कैसे प्रगाढ़ होती यह दोस्ती दोनों देशों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक संपदा है। चूंकि ट्रंप की यात्रा के दौरान कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, तो यह उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा के 5 साल पहले के दौरे की तुलना से उतना फलदायी भले ना दिखा हो, लेकिन इसमें भारत अमेरिकी संबंधों को सही दिशा अवश्य दी है। देखिए, 5 वर्ष पहले जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, तो उसमें द्विपक्षीय, व्यापारिक और रक्षा कई समझौते हुए थे जो कि भारत के लिए काफ़ी लाभदायक रहे थे और भारत की व्यापार स्थिति को भी उन्होंने मजबूत किया था। लेकिन इस बार जब ट्रंप दौरे पर आए थे तो सिर्फ और सिर्फ रक्षा समझौता हुआ था और किसी तरीके का समझौता नहीं किया गया था। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो ये चाहते थे कि जो भारत है वो दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए अपना बाजार अमेरिका के लिए खोल दे ताकि वो निर्यात कर सकें और मांस कारोबार को भी, चिकन कारोबार, मटन कारोबार को भी यहाँ पर फैलाया जा सके। लेकिन भारत जो कि दुग्ध उत्पादन में विश्व का सबसे प्रथम देश है, यानी उत्पादन में पहला स्थान है भारत का, इसलिए उसे इसके लिए आयात की, दुग्ध उत्पादन के आयात की तो ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए उसने ये समझौता अमेरिका के साथ नहीं किया। और इसी को देखते हुए, क्योंकि ट्रंप ये चाहते थे, क्योंकि नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं और एक व्यापारी वर्ग ये चाहता था कि भारत के साथ दुग्ध उत्पादन को लेकर एक समझौता हो, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर इसमें सहमति नहीं जताई थी, इस वजह से ये समझौता टल गया और इसी के कारण अमेरिका ने भी कई व्यापारिक समझौते भारत के साथ नहीं किए थे। चूंकि ट्रंप की यात्रा के दौरान कोई बड़ा समझौता तो नहीं हुआ था, चीन की बढ़ती दबंगई और मजबूत होती चीन रूस सामरिक सांठगांठ के मुकाबले के लिए यह आवश्यक भी था। ट्रंप ने अपने भारत दौरे को अविस्मरणीय, असाधारण और फलदायी करार दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत का सम्मान करता है और वह हमेशा भारतीयों का सच्चा एवं वफादार दोस्त बना रहेगा। वहीं मोदी ने भारत अमेरिका रिश्तों को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बताया है। स्वदेश लौटने के बाद भी ट्रंप भारत दौरे को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे। उन्होंने भारत को अतुल्य देश बताया और मोदी को महान इंसान एवं महान नेता बताते हुए कहा कि फिलहाल भारत के साथ हमारे असाधारण रिश्ते हैं। जहां तक अमेरिका की मौजूदा चीन नीति में व्यापार बदलाव की बात है, तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि यह ट्रंप के राष्ट्रपति काल तक ही कायम रहेगी, क्योंकि वाशिंगटन में धड़े इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वे इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। वैश्विक भू राजनीति एवं व्यापार का खाका नए सिरे से खींचना चाहिए। देखिए, हाल ही में अभी अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर चल रहा था, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं विश्व व्यापार को पड़ रहा था और इसी को देखते हुए एक समझौता भी अभी फिलहाल में ही अमेरिका और चीन में किया गया था, जिससे यह आशंका लगाई जा रही थी कि अब ट्रेड वॉर शायद समाप्त हो जाए। फिर उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा करी और जिस तरीके से चीन की पहुंच भारतीय बाजार में है, उसी तरीके से अब अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि चीन की पहुंच को भारत में कम किया जाए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी चीन का जो दबदबा है वो सिर्फ भारत के सहयोग से ही अमेरिका वहां पर काबिज हो सकता है। इन्हीं सबको देखते हुए ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा की थी। ट्रंप के इस दौरे में कई उपलब्धियाँ भी रहीं, जैसे कि $3.4 अरब का हेलीकॉप्टर सौदा हुआ है। अब अमेरिका भारत को हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत अमेरिका के होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास की संख्या बढ़ाई जा रही है। दोनों पक्षों ने एक समिति व्यापार समझौता भी किया, जिस पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह एक व्यापक व्यापार समझौते से के शुरुआती चरण का काम करेगा। अमेरिका और चीन के बाद भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका ने लगातार भारत को कच्चे तेल एवं पेट्रो उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाई है। अमेरिका के साथ अपने भारी व्यापार अधिशेषों को संतुलित करने के लिए मोदी ने अमेरिका से और तेल एवं गैस आयात करने पर सहमति जताई है। अपने विशाल बाजार एवं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका के लिए भारत की बहुत अहमियत है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में भारत की भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो चीन की सैन्य एवं आर्थिक क्षमताओं को संतुलित कर सकता है। भारत के दीर्घकालीन हितों के लिए अमेरिका से गहरी दोस्ती बेहद अहम है। मोदी राज में अच्छी बात यही है कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ समझौता किए बिना ही अमेरिका के साथ गहरे रिश्ते बनाए हैं। देखिए, हिंद क्षेत्र जो है वो हमेशा से ही चीन का वहाँ पर दबदबा माना जाता है, और अगर अमेरिका वहाँ पर किसी तरीके का अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत है जो वहाँ पर ये करने में सक्षम है। कई ऐसे पहलू हैं जो भारत अमेरिका रिश्तों को संचालित कर रहे हैं। लोकतंत्र होने के नाते दोनों के साझा मूल्य स्वाभाविक रूप से समान हैं। चीन का बढ़ता वर्चस्व भी दोनों का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। दोनों एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन भी चाहते हैं। दौरे के अंत में जारी संयुक्त बयान का जो एक वानगी देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया कि खुले, स्वतंत्र, समासेवी, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत और अमेरिका की घनिष्ठ साझेदारी बहुत जरूरी है। देखिए, ये बार बार दोहराया गया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र बार बार आपको इस टॉपिक में मिलेगा। इसमें दक्षिण चीन सागर, अमेरिका भारत जापान त्रिपक्षीय सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया भारत जापान अमेरिका की चौकड़ी का जिक्र स्पष्ट रूप से चीनी पहलू को ध्यान में रखकर किया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, नफरत का खतरनाक कारोबार। ये आर्टिकल दिल्ली दंगों पर लिखा गया है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में जिस तरह भीषण सांप्रदायिक हिंसा से जल उठे और 3 दिन में 48 लोगों की जान चली गई, जिस धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग लड़ रहे थे वे उन्हें बचाने नहीं आए, यानी कि जो लोग इसके हितैषी बनते हैं कि मंदिर मस्जिद आप समझ रहे होंगे, तो वैसे लोग एक भी लोग बचाने के लिए नहीं आए। आखिर यह धर्म की कैसी रक्षा है जो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाती है। दंगा प्रभावित इलाकों से जितनी भी खबरें आईं उनमें लगभग एक जैसी बातें कही गई हैं, या तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, सब एक दूसरे से प्यार से रहते आए हैं। हिंदू ने मुसलमान और मुसलमान ने हिंदू को बचाया है। देखने की बात यह है कि दशकों का प्यार एकाएक इतनी घृणा में तब्दील कैसे हो गया। घृणा एक दिन में नहीं पनपती है, यह हमारे मन में रहती है। ये जो इसकी लेखक हैं क्षमा शर्मा, ये बता रही हैं, और मौका मिलते ही बाहर निकल आती है। इस मतलब पूरे आर्टिकल में फोकस ये किया गया है कि जो भी हिंदू मुस्लिम, कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। कई बार न्यूज़ में भी दिखाया गया है कि एक मुस्लिम मंदिर की सफाई करता है, मंदिर में भगवान के रखरखाव को देखता है, और एक हिंदू पूरे मस्जिद की देखभाल करता है, उसकी सुरक्षा करता है। जो भी कोई त्यौहार आता है वो उसमें एक दूसरे के त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व इस शांति को भंग करना चाहते हैं और उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। कई बार देखा गया है, आप मान के चलिए कि 80-85% अगर हम लोग देखें तो वो इस मामले में सफल हो जाते हैं। क्या हमें सांप्रदायिकता की परिभाषा पर फिर से नहीं सोचना चाहिए? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता बहुसंख्यक सांप्रदायिकता से कम खतरनाक होती है के मुकाबले इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए कि हर तरह की सांप्रदायिकता खतरनाक होती है, चाहे वो किसी भी धर्म, कभी कभी जाति को लेकर भी हिंसा होती है। इन सब से मिलता क्या है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। अपने अपने दंगाइयों को बचाने के बजाय उन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर हिंदू पक्ष अपने लोगों को बचाता है या मुस्लिम पक्ष अपने लोगों को बचाता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। बुराई और बुरे लोगों का साथ देना भी अपराध को बढ़ावा देने जैसा ही है। देखिए, अगर कोई पक्ष ने गलती की है तो उसको निष्पक्ष होकर उसको कानून के हवाले कर देना चाहिए या फिर उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए ताकि उसको लगे कि उसने क्या गलती की हुई है। पिछले दिनों जिन नेताओं, बुद्धिजीवी लोगों ने लोगों को उकसाया, मतलब उन्होंने इस तरीके से उकसाया कि आपके धर्म पर हानि हो रही है, CAA का विरोध, आपकी नागरिकता चली जाएगी, मुसलमान बेघर हो जाएंगे, उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जब दंगा हुआ और जब हिंदू और मुस्लिम मारे जा रहे थे तो उन्हीं मुस्लिमों को बचाने के लिए कोई नेता नहीं आया।
अगर वो चाहते तो सड़क पर उतर कर लोगों के बीच जाकर इसका विरोध कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे और उन्हें शांति बनाए रखने की अपील कर सकते थे। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जितने भी नेता हैं, या तो वो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहे या फिर टीवी पर ही बोलते रहे कि शांति बरतनी चाहिए। अगर आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको सड़क पर उतरना चाहिए था, आपको लोगों के बीच जाकर ये समझाना चाहिए था कि इस हिंसा से आपको कुछ नहीं मिलेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ हानि है, जान जाएगी। देखिए, अब स्थिति जो है वो लगभग सामान्य हो गई है, लेकिन जो 48 लोगों की जान चली गई जो इस हिंसा में मारे गए, उसमें उन परिवार को क्या हासिल हुआ, और जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, मारने में शामिल थे, उन्हें क्या हासिल हुआ? स्थिति तो वैसी की वैसी ही है, आगे फिर कभी दंगे होंगे। लेकिन इसलिए एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, पुलिस को इतनी सख्ती दी जानी चाहिए कि अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस कठोरता से इसका नियमों का पालन किया जाए कि लोग हिंसा करने से, सांप्रदायिक हिंसा करने से पहले 10 बार सोचें। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग। देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के गुनाहगारों को फांसी देने के लिए चौथी बार डेथ वारंट जारी किया जाना स्वतः यह बता रहा है कि पहले 3 बार ऐसे ही वारंट जारी किए गए थे, वे निष्प्रभाव रहे। इसके चलते देश को यही संदेश दिया गया कि न्याय में देरी भी है और अंधेर भी है। माना जा रहा है कि चौथा डेथ वारंट आखिरी साबित होगा, लेकिन दोषियों के वकील अभी भी कुछ कानूनी विकल्प का दावा कर रहे हैं। पता नहीं उनके दावे में कितना दम है, लेकिन अगर किसी कारण फांसी फिर टली तो इसे न्यायिक व्यवस्था का और उपहास ही समझा जाएगा, क्योंकि ये मामला इतना, देखिए सभी गुनाहगार जो हैं वो भी अपना गुनाह कबूल चुके हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, राष्ट्रपति द्वारा उनका जो दया याचिका है खारिज कर दी जा चुकी है, तो निश्चित तौर पर अब उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था इतनी ढीली है, और इतनी ढीली है कि देखिए कितना लंबा समय चला जा रहा है। अब उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने ये सब देखा है, उन पर क्या बीत रही होगी। और अभी भी अपनी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे मामले फिर से उजागर ना हो। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती है कि जिस जघन्य मामले में दोषियों की सजा में अमल में तत्परता का परिचय देते हुए नजीर पेश की जानी चाहिए थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न्याय वही है जो समय पर हो। न्याय का मतलब यह नहीं हो सकता कि सजा तो सुना दी जाए लेकिन इसमें अमल पर ध्यान ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा साल 2017 में ही दे दी थी, लेकिन इसके बाद की कार्रवाई कानून की भूल भुलैया में खोसी गई है। इसके चलते जनमानस के बीच यह धारणा बनी है कि सरकार की ढिलाई से दोषियों की सजा पर अमल नहीं हो पा रहा है। सच यह है कि देरी के लिए न्यायपालिका ही जिम्मेदार है। अभी हैदराबाद में एक कांड हुआ था जिसमें एक डॉक्टर के साथ कुकृत्य किया गया था, उसमें हैदराबाद पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर के तहत मारा था। अब उसमें ये बताया गया था कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो भी हो, अगर एनकाउंटर में ही मारा गया था तो वो एक त्वरित कार्रवाई थी, और यकीन मानिए पूरे देश ने एक शब्द भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला था, क्योंकि लोग भी यही चाहते थे कि ऐसे जो कांड होते हैं, ऐसे जो जघन्य अपराध होते हैं, उनमें त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसे जो अपराध हैं उनको भविष्य में होने से रोका जा सके। तो ये आज के एडिटोरियल के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहला है, महिला दिवस पर विश्व विजय के साथ के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। देखिए T20 जो विश्व कप चल रहा है उसमें फाइनल में पहुंच गई है भारत महिला टीम। दूसरा है, मुंबई में होगा IOC ओलंपिक सत्र जो है वो मुंबई में होगा, और कोरोना वायरस से IPL स्थगित नहीं किया जाएगा। इन्हीं पर है ये 3 न्यूज़। पहली न्यूज़ है, महिला दिवस पर विश्व विजय के लिए उतरेगी महिला टीम। गुरुवार को हुई बारिश ने ICC महिला T20 विश्व कप की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का भविष्य तय कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहला सेमीफाइनल बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद ग्रुप चरण के में अजेय रहने के कारण भारतीय महिलाओं ने पहली बार ICC महिला T20 विश्व कप फाइनल में जगह बनाई है। सुबह से लगातार बारिश के कारण टॉस नहीं हो पाया और आखिरी में
पहला सेमीफाइनल बिना गेंद फेंके रद्द करना पड़ा। इससे भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर गई, जबकि इंग्लैंड के खेमे में निराशा छा गई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ियों की आंखों में बारिश ने आंसू ला दिए। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में पहुंचने के लिए 20 ओवर में 135 रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म होने के बाद बारिश आ गई और डकवर्थ लुइस के कारण दक्षिण अफ्रीका को 13 ओवर में 98 रनों का अपेक्षाकृत कठिन लक्ष्य मिल गया। दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं ने 13 ओवर में 5 विकेट पर 93 रन ही बना सके और मैच हार गई। अब रविवार को महिला दिवस के अवसर पर भारतीय टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में जान लीजिए कि 2010 से लगातार छठी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है ऑस्ट्रेलिया टीम। 2016 में यह टीम फाइनल में नहीं जीत पाई थी, बाकी 4 बार उसने यह खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलिया ही इस बार की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मुंबई में होगा IOC का सत्र। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2023 सत्र की मेजबानी मुंबई को मिलना तय है, क्योंकि IOC कार्यकारी बोर्ड ने वार्षिक सम्मेलन के लिए भारतीय शहर की सिफारिश की है। IOC मूल्यांकन आयोग ने जियो वर्ल्ड सेंटर की भूमिका की तारीफ की है, जहां यह सम्मेलन आयोजन होगा। इस फैसले को टोक्यो में होने वाले 136वें IOC सत्र में मंजूरी दी जाएगी। IOC अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा कि हमने भारत का चयन इसलिए किया क्योंकि यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत ने 1983 में दिल्ली में IOC सत्र आयोजित किया था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, फिलहाल कोरोना का IPL पर कोई असर नहीं होगा। क्रिकेट का बहुत कम देशों में खेला जाना इंडियन प्रीमियर लीग के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि लगता है कि घातक कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद यह T20 लीग सही समय पर शुरू होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अब तक लगभग 3500 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट स्थगित किए गए हैं, लेकिन IPL पर इसका असर नहीं पड़ेगा और इसके लिए सब कुछ सही है। इससे कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख वजह इस खेल का बहुत कम देशों में खेला जाना है और इसमें काफ़ी कम विदेशी खिलाड़ी भाग लेते हैं। IPL 29 मार्च से मुंबई में शुरू होगा। IPL की 8 फ्रेंचाइजीज टीमों में शामिल कोई भी विदेशी खिलाड़ी हालांकि अब तक भारत की यात्रा करने के प्रति आशंकित नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले देशों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज देशों के लगभग 60 खिलाड़ी IPL में भाग लेंगे और इन देशों में से कोई भी कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं है। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। EPFO ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए PF प्रोविडेंट फंड पर केवल 8.50% ब्याज की अनुशंसा की है। RBI ने यस बैंक पर पाबंदी लगा दी है और निकासी सीमा ₹50,000 कर दी गई है। यस बैंक का प्रबंधन SBI को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पूर्व UN प्रमुख जेवियर पेरेज का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 1981 से 1991 तक UN महासचिव रहे थे। टाइम्स की सूची में पिछली एक सदी की 100 ताकतवर महिलाओं को इस सूची में अमृत कौर को 1947 के लिए और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। लास्ट पॉइंट है, कोरोना वायरस का इलाज स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में शामिल किया गया है। यह निर्णय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की बैठक में लिया गया है। ये आज का यानी 6 मार्च 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।